हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है कैलेंडर पे वो है किस पे? ऑड डे पे। विषम दिनों की संख्या कैसे हमें पता करना है, ठीक है? तो ऑड डे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है आपका कि पहले समझ लो कि अगर आपका ऑड डे का आया तो रिमाइंडर मेनली क्या होता है, ऑड डे निकालने का मतलब कि हम सात से उसे डिवाइड कर देते हैं, कि कोई भी दिन हो सात से डिवाइड कर देंगे, और सात से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष आपका बचता है वही क्या होता है, आपका ऑड डे होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं बताऊं कि सात से दस को डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, तीन बचेगा, एक बार जाएगा तो तीन रिमाइंडर बचेगा। ये तीन क्या है आपका, क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा, ऑड डे कहलाएगा। तो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो है ऑड डे की संख्या कितनी हो सकती है भाई, जीरो हो सकता है, ये आपका मिनिमम है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, और सिक्स हो सकता है। तो ठीक है, मैक्सिमम आपका सिक्स ही होगा, सेवन तो होगा नहीं, क्योंकि जब सेवन अपॉन सेवन करोगे तो क्या है, तो फिर से कट जाएगा और जीरो ही आएगा। तो कहा जाए एक तरह से तो मैक्सिमम आपका ऑड डे की संख्या सिक्स हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है, विषम दिन की संख्या। अब इसे में जो विषम दिन है आपको कैसे निकालना होता है, इसका क्या हमें कैसे इसका फायदा मिलेगा, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका फायदा कैसे हमें मिलेगा। सपोज करो मैं कुछ ये दिन लिख रहा हूं, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें विषम दिन की संख्या कितना होगा। जैसे 10 तो कितना होगा ऑड डे भाई, बताओ, कमेंट करो, तीन होगा। 15 सात से डिवाइड करो, कितना आएगा रिमाइंडर, सात दूनी 14, दो बार जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। उसके बाद से आ जाओ 28, इसे सात से डिवाइड करो, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा ये, तो कितना आएगा ऑड डे, जीरो। शेष कितना बच रहा है, जीरो बच रहा है, तो इसमें ऑड डे जीरो ही आएगा। अब आ जाओ 29 में, तो भैया कितना आ जाएगा विषम दिन संख्या, बताओ, एक। उसके बाद से 30 में ऑड डे कितना आएगा, 30 में कितना आ जाएगा, इसमें एक आया तो इसमें दो आ जाएगा, सात चौके चार बार जाएगा, 28, 29 और 30 आपका बच गया, तो दो ऑड डे हो गया। उसके बाद से 31, इसमें कितना होगा भाई, तीन हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। उसके बाद से आपका हम बोल दे 365 दिन में कितने ऑड डे होंगे, सात से डिवाइड करो, कितना आएगा, इसमें एक ऑड डे आएगा, कर लेना, ठीक है। 366 दिन में कितना हो जाएगा, जब इसमें एक है तो एक और बढ़ जाएगा, दो दिन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कहूं 56 वीक में कितने ऑड डे होंगे, बताओ भाई 56 वीक में कितने ऑड डे होंगे, कमेंट करो, कितने होंगे, जीरो होंगे। क्यों, जो 56 वीक की बात आ गई तो 56 वीक मतलब ये क्या, किसका मल्टीपल होगा, सेवन का होगा। 56 वीक मतलब एक हफ्ते में सात दिन होता है, ये तो जानते हो सभी लोग। तो 56 गुणे सात करूंगा, अब इसे डिवाइड करूंगा मैं सात से, तो ये तो इसके मल्टीपल ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और रिमाइंडर कितना देगा, जीरो ही तो देगा। तो जब भी वीक पूछे आपके कि 56 वीक बाद कितना और डे होगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो मैंने ये क्यों करा दिया आपको कि देखो 28 का जो महीना होता है, जैसे फरवरी जो नॉर्मल ईयर में क्या होता है 28 का होता है, तो उसमें ऑड डे कैलकुलेट करना होगा आपको, तो क्या करोगे, जीरो ऑड डे होता है। जीरो ऑड डे मतलब चार हफ्ते आपके पूरे के पूरे कंप्लीट बन जाते हैं, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। जब फरवरी 29 की होती है तो आपका क्या हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। हफ्ता पूरा कंप्लीट होने के बाद, चार हफ्ते कंप्लीट होने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। 30 ये क्या, अगर 30 का कोई मंथ है तो उसमें ऑड डे कितना होगा, दो। 31 का कोई मंथ है तो ऑड डे कितना होगा, तीन। इसे सब याद रखना, ये काम आएगा आगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे उस पे ये जो है हमारा काफी काम करेगा, तुरंत याद रहेगा कि हाँ अप्रैल 30 का होता है तो उसमें ऑड डे कितना हो जाएगा, दो। तो वो वहां पे कैलकुलेशन में आपको तेज करने के लिए फंडा है। 365 मतलब एक साल, तो एक साल में कितने ऑड डे होते हैं भैया, एक ऑड आपका होता है, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, जो नॉर्मल ईयर होता है। अगर आपका लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है। सप्ताह कितने होते हैं इसमें, कितने सप्ताह होते हैं, 52 वीक होता है, ठीक है, 52 वीक होता है, और आपके दो ऑड डे मिल जाते हैं।
उसके बाद से मैंने पूछा 56 वीक में कितने ऑड डे होंगे, तो 56 वीक में कितने हो जाएंगे, आपका वीक जो होता है वो मल्टीपल होता है 7 का, तो इसमें ऑड डे आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं इसमें कि अब हमें कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है। जैसे सिंपल सा है, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आप लोग नोट आउट कर लो क्वेश्चन को और आंसर कमेंट करो कि यदि आज रविवार है, ठीक है, यदि आज रविवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कमेंट करके आंसर बताओ कौन सा दिन होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड डे का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। बोल दिया यदि आज रविवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसमें क्या करोगे, ऑड डे का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। कैसे, देखो 15 दिन बाद पूछा है तो क्या करो, 15 को 7 से डिवाइड कर दो। अभी मैंने बताया ना कि 7 वाले में कितने ऑड डे, 15 वाले में कितने ऑड डे आते हैं, 2 बार जाएगा आपका, 7 × 2 = 14, 1 रिमाइंडर बचेगा, जितना रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, विषम दिन की संख्या हो जाएगी, तो 1 रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो किधर पूछ रहा है, आगे की बात कर रहा है ना कि 15 दिन बाद आगे के लिए जा रहा है, तो उस दिन में हम उतना जितना रिमाइंडर आएगा उसे जोड़ देंगे। अगर ये पूछता पीछे कि 15 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे, उसी दिन में जो रिमाइंडर हमारा आता है, जो विषम दिन की संख्या आएगी, उसे उससे घटा देंगे। ठीक, तो अभी हमें क्या देखना है कि 15 दिन बाद पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया है, 1 दिन आया है, तो रविवार में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, सोमवार आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कि अगर आपका 15 दिन बाद पूछता है तो क्या करोगे, सोमवार आएगा। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और डेज के कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर साथ साथ मैं बताता जाऊंगा, और आप लोगों को भी उसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, सभी लोग इसका आंसर बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है 10 जनवरी को अगर सोमवार था तो 22 जनवरी को क्या होगा, उसी कॉन्सेप्ट पे है, आपको कुछ नहीं करना है, इनके बीच का गैप ले लेना है। ठीक है, जिसका आंसर आ गया ठीक, अब नहीं आया जिसका वो देख लो इसे कैसे एकदम सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। 10 और 22 के बीच का आपका डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, 22 में से 10 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 क्या है, ये जो भी संख्या है देखो ये 7 से छोटी है या 7 से बड़ी है, क्योंकि 7 से जो छोटी संख्या होगी वही आपका उतना रिमाइंडर होगा, 7 से जितनी बड़ी संख्या होगी उसी को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर पता चलेगा। जैसे 0 से लेकर 6 तक तो आपका अगर कोई यहाँ पे आ जाता है नंबर तो डायरेक्ट बता दो कि वही ऑड डे हो गए, क्योंकि उसमें आप जब डिवाइड करोगे तो सेम आपको वही मिलेगा। तो यहाँ 12 या 7 से बड़ा है तो 7 से क्या करो, इसे डिवाइड कर दो, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 और 5 क्या होगा इसका, 5 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, 1 बार जाएगा। देखो 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा और 5 रिमाइंडर आएगा। अब ये 5 जो रिमाइंडर आया है इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा डी गिवेन है उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और किस कब पूछा है, 22 जनवरी के मतलब आगे की डेट का पूछा है ना कि 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो हम उसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ के क्या, सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शनिवार हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिन लोगों ने कमेंट में ए दिया है उसका सही है। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस कितना आया, 12, 12 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आया, 5, जो 5 आया है वो आप अपने डे में जोड़ दो, सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को 5वां दिन पड़ रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करो। बोला यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है, ठीक है, 7वां दिन बोल रहा है मतलब 7 तारीख को अगर आपका क्या है, फ्राइडे है, तो उस माह का 22वां दिन कौन सा होगा। अब उसी महीने का आपका पूछ रहा है कि 22 डेट होगा वो कौन सा दिन होगा, इस दिन कौन सा जो है वार होगा आपका, कमेंट करके आंसर में बताओ क्या होगा। ये भी सिंपल है, उसी लॉजिक पे जाना है आपको, क्या करना है, आगे का डेट पूछ रहा है तो 22 में से हमें 7 क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 7 × 5 = 12, 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इस 15 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे,
कितना रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, 15 दिन पे एक रिमाइंडर आता है, मैंने लिखवाया है अभी पीछे, तो एक रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर आता है उसे हम क्या, जो हमारा गिवन डेट दिया है उस पे जोड़ देते हैं। तो हमारा डे कौन सा दिया है, शुक्रवार दिया है, तो शुक्रवार में एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। पहला बोला सातवां दिन, मतलब सात तारीख को कौन सा दिन है, फ्राइडे है। 22 तारीख को पूछ रहा है 22वां दिन कौन सा होगा, तो 22 लिख लिए और इनके बीच का डिफरेंस देख लिए। इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 15, उसको 7 से डिवाइड कर दिए। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया भैया, 1 आया। जो रिमाइंडर आता है उसी को हम जो गिवन डे होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो शुक्रवार में एक जोड़ दोगे तो शनिवार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से जल्दी। आसान आसान से क्वेश्चन है। बोला अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार, माह का कोई तीसरा दिन मतलब तीसरा तारीख ही, अगर ये क्या है सोमवार है मतलब मंडे है, तो निम्नलिखित में से उस माह का 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। कुछ नहीं किया, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में बोल दिया, 21वें दिन के आगे 5वां दिन कौन सा होगा, मतलब 21 + 5 मतलब क्या हो जाएगा, ये 26वां, मतलब 26 तारीख को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो 26 को पूछ रहा है, तो 26 में से क्या करो, अब हमें क्या निकालना है, किसके किसके बेस पे चलना है। हमें तीन जो है दिया है, तीन को मंडे है, और निकालना किसका है, 26 तारीख को निकालना है कि 26 तारीख को क्या होगा। तो 26 में से 3 माइनस कर दो, क्या बचा आपका, 23। 23 को 7 से डिवाइड कर दो तो 3 बार जाएगा 21 22 23, दो हमारा क्या बचेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा, दो ही तो शेष बचेगा, 21 तीन बार जाएगा, 22 और 23 दो रिमाइंडर बचेगा। इस दो रिमाइंडर को क्या करेंगे, जो हमारा डे गिवन है मंडे दिया है ना, इसमें हम जोड़ देंगे, मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या आ जाएगा आंसर, सोमवार को मंगलवार बुधवार, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किया था, इसने बोला था कि तीसरा दिन सोमवार, मतलब किसी महीने का तीसरा दिन, तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने के 21वें दिन से आगे 5वां दिन, 21वें दिन के आगे 5वां दिन मतलब कौन सा दिन, 26वां दिन। तो 26वें दिन का पूछा था, तो 26 - 3 किए 23 आया, 23 को 7 से डिवाइड किए, हमारे पास रिमाइंडर 2 आया, 2 क्या किए हम, जो हमारा डे गिवन था उसमें जोड़ दिए, तो हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कमेंट करिए इसका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं सोचना है। बोला 1 नवंबर को सोमवार है, तो 25 तारीख को कौन सा होगा, मतलब उसी नवंबर में ही, और किसी दिन नहीं, किसी और महीने में नहीं पूछा है, 25 नवंबर को ही याद रखिए, इसे कर लीजिए, 25 नवंबर को ही क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 1 नवंबर को अगर आपका मंडे है तो 25 का पूछ रहा है क्या होगा, तो 25 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, इनके बीच का डिफरेंस 24 दिन आएगा। 24 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कि 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं, देख लेते हैं कितने हफ्ते यहाँ से निकल रहे हैं, 7 से डिवाइड कर दें तो 7 × 3 = 21, ठीक है, 3 बार जाएगा, 21 के बाद आपका 3 बच गया आएगा, 3 क्या हो जाएगा इसका, रिमाइंडर हो जाएगा, 3 रिमाइंडर हो जाएगा। तो मैंने बताया कि जो रिमाइंडर आता है वही डे जो गिवन होता है उसमें जोड़ देते हैं, सोमवार है तो मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, ठीक है, बृहस्पतिवार गुरुवार सेम होता है, ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इसका कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। यदि किसी महीने के 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो उस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, सिंपल सा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आता नहीं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक वही तो मैं बोला कि किसके आने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, देखो डिपेंड करता है आपके लक पर, हो सकता है आसान सा क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है एक जो क्वेश्चन आपका इसी पे बनता है, इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है, आगामी कल के परसों सोमवार था तो आगामी बीते हुए परसों के कल क्या होगा, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो डिपेंड करता है कि किस पेपर में आपको कब कहाँ मिल जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, महीने के 2 तारीख को अगर रविवार पड़ता है, तो उसी माह के 19 तारीख से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो एक दिन पहले मतलब कहने का मतलब, अगर 2 तारीख को सोमवार रविवार है, संडे है किसी भी माह में, और पूछा 19 तारीख से एक दिन पहले, 19 तारीख से एक दिन पहले मतलब 18 तारीख, तो ही 18 तारीख को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। फिर वही फंडा अपना लो, इनमें से माइनस कर दो, 18 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 16 बचा। अब 16 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर आएगा, 7 × 2 = 14, 14 के बाद 15 + 16 मतलब 2 रिमाइंडर आपका आ गया, 2 शेष बचेगा। अब जो रिमाइंडर आता है उसको क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, संडे में 2 जोड़ दो
मंडे और ट्यूसडे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। आसान सा था, कुछ नहीं करना था, 19 तारीख से एक दिन पहले का पूछा था, तो 18 तारीख का इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये सब क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ जा रहा है, मतलब 2 तारीख से 18 तारीख का पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है उसे प्लस करते हैं। अगर ये पीछे का पूछता कि मान लो 19 तारीख को ये डेट है, अब 2 तारीख का बताओ, तो ये क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है ना, तब क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे माइनस कर देंगे, जब भी ऐसा केस आपके बनता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आज रविवार है, तो आज के 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यहां आपका डे नहीं दिया है कि आज एक तारीख है तो ये दिन सोमवार है, इसने बोला कि आज रविवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सिंपल सा उसी पे है, फंडे पे, आपको कुछ नहीं करना है, 59 को 7 से डिवाइड करना है, जो आपको ये दिन है 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा उसी को 7 से डिवाइड करो और देख लो कि कितना आपका क्या रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 × 8 = 56 होता है, 8 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब रिमाइंडर जब 3 आ गया आपका, तो इसे क्या करना है, मैंने बताया था जो गिवन डे है आपका उसमें जोड़ देना है, तो संडे में जोड़ दोगे 3, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुधवार हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि आज रविवार है, चाहे आज सोमवार है, चाहे मंगलवार है, 59 दिन बाद बताओ, 60 दिन बाद बताओ, 70 दिन बाद बताओ, तो जो भी दिन, जितने दिन बाद बताना है, बस उसे 7 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आए वो क्या करो, गिवन डे में जोड़ दो, वही दिन आपका आ जाएगा। अब ये है, अब इसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है अगला, कि उसमें कैसे परिवर्तन होता है वो देख लेते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यदि आज रविवार है तो आज से 25वां दिन कौन सा होगा। देखिए तरीका अलग है, पिछले वाले में क्या है, बोला था 59 दिन के बाद, ये देखो 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 59 दिन के बाद जब पूछे आपसे तो क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो जो दिन दिया है 59। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज हो कि आज से 25वां दिन कौन सा होगा, तो 25वां दिन मतलब 24 दिन के बाद, 24 दिन के बाद, इसका मतलब हो गया 24 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करोगे, 24 को 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, आपसे पूछा 25वां दिन कौन सा होगा, 25th जो डे होगा वो कौन सा होगा, इसका मतलब 24 दिन बाद वाला कौन सा दिन होगा, तो 7 को 24 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 × 3 = 21, और 21 और 3 = 24 होगा। ठीक, तो 3 इसका आपका रिमाइंडर आ जाएगा, और जो रिमाइंडर आता है उसे क्या करते हैं, जो हमारा गिवन डे होता है उसमें जोड़ देते हैं, रविवार है तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो इस लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान देना कि आपसे पूछा क्या है, जैसे पिछले वाले में पूछा था 59 दिन बाद क्या होगा, तो जो दिन था उसी को 7 से डिवाइड कर दिया, मगर यहां पूछ रहा 25वां दिन कौन सा होगा, तो यह मत करना कि 25 को 7 से डिवाइड कर देना, यहां आंसर आपका अलग आ जाएगा। यहां बोला 25वां दिन कौन सा होगा, तो आपको 24 दिन बाद, इसका मतलब 25वां दिन का मतलब 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यह समझना है। ठीक है, दोनों में अंतर है क्वेश्चन पूछने में। अगला क्वेश्चन आपके जस्ट सामने है, आंसर कमेंट करिए। बोला मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है। देखो बाद, ये क्वेश्चन किस पे, 300 दिन बाद आता है, 365वां दिन नहीं आता है, 365वें दिन नहीं आता है, ऐसा नहीं बोला है, 365 दिन बाद आता है। तो यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को हो, तो मेरा जन्मदिन किस वार को होगा। तो फिर जब भी इस टाइप से कॉन्सेप्ट हो 365 दिन बाद, तब क्या करो, जो आपको डे यहां दिया है दिन, उसी को 7 से डिवाइड करना होता है। जब ऐसा ना हो कि इतने दिन बाद, तब क्या करना होता है, उससे एक दिन पहले वाला ले लेना होता है, जैसे बोला था उसमें 25वां दिन कौन सा होगा, तो हम क्या लिए, 24 दिन बाद के लिए। ठीक, तो 365 को 7 से डिवाइड करोगे, तो 365 में कितने रिमाइंडर आते हैं भाई, मैंने बताया था ना 365 दिन में एक रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो एक रिमाइंडर आता है, तो एक रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब हम सोमवार में एक जोड़ देंगे, मंडे में एक जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब उसके अगर भाई का जन्मदिन 365 दिन बाद आता है, बोला ना मेरा जन्मदिन मेरे भाई के 365 दिन बाद आता है, तो अगर उसके भाई का जन्मदिन सोमवार का है, तो उसका कब आएगा, मंगलवार को आएगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कमेंट।
ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन आपके जो सामने है, आप इसका आंसर कमेंट करिए। यदि आगामी कल, देखिए ये शब्द मिलेगा आपको अगले जब हम सेशन पढ़ाएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा, आगामी कल, आगामी परसों, ठीक, विगत परसों, विगत कल, ठीक, इस टाइप से प्रश्न पूछता है। आगामी कल के जो कि शुक्रवार है, ठीक है, बोला आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, ठीक है, 3 दिन बाद क्या पड़ता है, 15 जून पड़ता है। तो जो आगामी कल है भैया वो क्या है, फ्राइडे है, उसके 3 दिन बाद क्या पड़ता है, 15 जून पड़ता है। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, तो मतलब 15 जून को क्या पड़ा, मंडे पड़ा। तो यही तो इसके कहने का मतलब कि आगामी जो कल है वो शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार है, उसके 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक है। तो सोमवार को क्या आपका 15 तारीख को जो डेट है उस दिन क्या है, मंडे है। ये हमें पता चल गया, हाँ, पहले जैसे क्वेश्चन हो गया कि 15 तारीख को क्या है, मंडे है, और हमसे पूछा क्या है तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा, महीने का अंतिम तारीख कौन सा होगा भैया। अब डिपेंड करता है कि आपको महीना कौन सा है, 30 वाला है या 31 वाला, यहाँ जिक्र नहीं किया था, आपको हमेशा क्या लेके चलना है, 30 डेज वाला लेके चलना है। तो 30 तारीख को हम देख लेंगे, तो 30 में से 15 माइनस करेंगे, ठीक है, 30 में से 15 माइनस करोगे तो आएगा कितना, 15, फिर इसे 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर आपका। तो मंडे में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, मंडे में 1 जोड़ोगे आगे जाना है तो ट्यूसडे आएगा, मतलब आपका क्या आएगा, मंगलवार आएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला आपके लिए क्वेश्चन है, किस पे है आपका, जैकपॉट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि आज रविवार है तो आज से 70 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, पूछा है आपसे कि अगर आज रविवार है तो आज से 70 सप्ताह बाद, ना कि दिन, 70 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, आपको कमेंट करना, ए मंगलवार, बी शुक्रवार, सी रविवार, डी सोमवार, सभी के आंसर आ जाने चाहिए कमेंट में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं आपका जो पिछला आपका मैंने क्या बताया था, जैकपॉट था, उसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपसे पूछा था कि 29 तारीख, ठीक है, 29 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगा, यही तो पूछा था, कितनी बार आएगा, यही क्वेश्चन था आपका जैकपॉट का कि 29 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगा। तो काफी लोगों ने कमेंट में आंसर दिया, सही दिया आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका कैसे आपको निकालना, सिंपल सा है, जब आपका नॉर्मल ईयर होता है बच्चों, नॉर्मल ईयर सिंपल, जहां आपका फरवरी जो है 29 की नहीं होती है, लीप ईयर जो नहीं होता है, उसमें आपका 12 एक साल में, 1 ईयर में कितनी बार 29 तारीख आएगा, जितने बार महीना होगा और जितने मंथ होंगे उतने में तो आएगा, मगर किसको छोड़ के, फेब को छोड़ के, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें फेब्रुवरी कितने की होती है, 28 दिन की होती है, तो इसमें तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब 11 बार आएगा, कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स आएगा हमारा क्या, 29 डे। तो 400 साल में पूछा है, इसका मतलब इसमें हमें 400 का गुणा करना पड़ेगा, ये मैथ में आपने सीखा होगा मेथड, तो ये 400 साल हो जाएगा यहाँ पे। तो 400 साल में हमें पूछ रहा है कितनी बार आएगा, तो 400 साल में कितना हो जाएगा, ये 44, यहां भी हम 400 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर जब 400 का किए हैं तो इसमें भी 11 में भी 400 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां कितना हो जाएगा, 11 चौके 4400, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4400। तो ऐसे हो जाएंगे जो आपके ऑर्डिनरी होंगे, मतलब जो इतने ऐसे ये होगा 4400 कि आपके वो ईयर जिस जो ईयर ऑर्डिनरी होंगे उसमें क्या होगा आपका 29 डे, आपका 29 तारीख इतनी बार आएगा जो ऑर्डिनरी ईयर होंगे, ठीक है, 400 सालों में, 400 सालों में ऑर्डिनरी ईयर में 29 तारीख आपके 4400 बार आएंगे। और मैंने आपको ये निकालना बता दिया था, इसका आंसर भी बता दिया था कि 400 साल में, ठीक है, 29 फेब, चाहे लीप ईयर कह लो इसे, चाहे 29 फरवरी बोल लो कि 29 फरवरी कितनी बार आता है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कितनी बार आता है, 97 बार आता है 400 साल में। तो ये तो अभी छूटा है ना, ये तो सिर्फ आप किसका बात कर रहे हैं, नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर का,
ऑर्डिनरी ईयर में 29 तारीख पूरा आपका कितने पूरा का पूरा 400 साल में 4400 बार आएगा। आपसे अब इसमें क्या इंक्लूड करना है, आपको वो इंक्लूड करना है फेब वाली, जो 29 फेब मतलब लीप ईयर वाला ईयर इंक्लूड करना है। तो हमारे लीप ईयर कितने होते हैं भैया, 97 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4400 में 97 और जोड़ देंगे, तो 4497 बार जो है आप बोल सकते हो क्या 29 तारीख 400 साल में आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, काफी लोगों ने इसका आंसर कमेंट सही किया था। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इस सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।